भागन सा बटे जिया टीचवारो
मेलो आयो। शेवा मंडलियों शेवा कन थियों टेडी टेरा थियों मस्त रहन थियों। शेवा मंडलियों शेवा कन थियों टेडी टेरा थियों मस्त रहन थियों। भगतन भजनन सा रंगड़ो रचायो। भगतन भजनन सा रंगड़ो रचायो। मेलो आयो मेलो आयो नैणो राम जो मेलो आयो। मेलो आयो मेलो आयो नैणो राम जो मेलो आयो। वेले मौज मचे थी आश्रम जी कुंड कुंड पर जेती। आरती वेले मौज मचे थी आश्रम जी कुंड कुंड पर जेती। गुलड़ा गुला बन अची कुल चाड़ियो। कुलड़ा गुला बन जा कटकी अची कुल चाड़ियो। मेलो आयो मेलो आयो नैणो राम जो मेलो आयो। भगत ने रूप कारी भगत ने रूप कारी दे में
लखन के पानी पियारो, भुगना मन जे जिया के जियारो, भुगना मन जे जिया के जियारो। सब जो जे आ सुखदारो, सब जो जे आ सुखदारो, आरती संत सचे जी गायो, आरती संत ने होना दियायो, आरती भगत पैं भुलायो, वेद भाव सब पैं भुलायो, आरती संत सचे जी, आरती संत ने गायो, आश्रम आए पूरण भारती, आश्रम आए अंगनवाड़ी, अगे करियो आरती, अगे प्रेम प्रसादी का कुछ हाल पायो, प्रेम प्रसादी प्रेम सखायो, प्रेम सखायो, आरती संत सचे जी गायो, आरती संत ने रोड़ा दिया, शरदा शीश निवायो, शरदा साता शीश निवायो, शीश झुकायो, आयो मिलो संत जो प्रेमी अचो डोली खणो, आयो मिलो संत जो प्रेमी अचो डोली खणो, मिली सब डोली खणो संत जा नारहणो, मिली सब डोली खणो संत जा नारहणो, आयो मिलो संत जो प्रेमी अचो डोली खणो, आयो मिलो संत जो प्रेमी अचो डोली खणो। दमालू पायो संत जो मेलो आयो, दर ते दमालू पायो, नचित पी डोली सा मिली सब झुमरू पायो, आयो मेलो संत जो प्रेमी अचो डोली खणो, आयो मेलो संत जो प्रेमी अचो डोली खणो, मिली सब डोली खणो संत जा नारहणो, संत जो प्रेमी अचो डोली खणो, आयो मिलो संत जो प्रेमी अचो डोली खणो। लाल गुलड़ा वसाए संत जी मूरत व्यारे,
मझा लगाए आयो मिलो संत जो प्रेमी अचो डोली खणो आयो मिलो संत जो प्रेमी अचो डोली खणो मिली सब डोली खणो संत जा नारा हणो मिली सब डोली खणो संत जा नारा हणो आयो मिलो संत जो प्रेमी अचो डोली खणो आयो मिलो संत जो प्रेमी अचो डोली खणो सुर्ग जेड़ो आ मंजर संत जो द्वार सुंदर सुर्ग जेड़ो आ मंजर देवता वर ठकन अति नेणु राम नगर आयो मिलो संत जो प्रेमी अचो डोली खणो आयो मिलो संत जो प्रेमी अचो डोली खणो मिली सब डोली खणो संत जा नारा हणो संत जो प्रेमी अचो डोली खणो आयो मिलो संत जो प्रेमी अचो डोली खणो भई हाँ मूसा गड मिली करे चौंदा संत श्री नेणुराम की संत श्री नेणुराम की सबनन का पहनी हिन मेले के अंदर जितना भी सेवादारी है जे बिना पंजे स्वार जे मेले जे अंदर जिन सेवा की तमाम सुठी कंट्रीब्यूशन ए जे पंजे योगदान दिनु है ए एंडलेस एफर्ट असा दिखा है उनन जी सेवा में तो टीएलएस कमेटी की तरफ से हम सब उन सभी सेवादारियों के लिए दिल से आभार प्रकट कर रहे हैं उन सब सेवादारियों के लिए एक बार तालियां हो जाए जिन्होंने दिल से सेवा भी की है और मेले तो बचाने में हम सबकी मदद भी की है तो थरी लवाना समाज टीएलएस कमेटी उन सबका शुक्रगुजार है। मेले से एक चीज हमने ये सीखी है कि कोई भी चीज अगर आप दिल और भावना से करते हो तो वो काम हमेशा सक्सेस जाता है। जिसका सीधा सीधा एग्जांपल हमने इस मेले में देखा कि कोई भी इंसान अपने मन और सच्ची भावना से कोई भी कार्य करता है वो हमेशा सक्सेस ही जाता है। तो इसी से हमें क्या सीख मिलती है, कोई मुझे बताएगा मेले से हमने क्या सीखा? कोई भी मेला में क्या सिखा के गया है? छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आप अपनी वाइफ को ये बोलिए कि मैं आपको पैसा देता हूं, घर देता हूं, जायदाद देता हूं, बच्चे देता हूं, सब दूंगा, लेकिन अपनी भावना ही नहीं दे सकता, तो आपकी शादी चलेगी? चलेगी? नहीं चलेगी। ठीक वैसे ही कोई भी समाज, समाज का कोई भी कार्य, कोई भी इवेंट, कोई भी सेवा का काम, अगर उसके अंदर आपकी भावनाएं नहीं है और आप भावनाओं से काम नहीं लेते हैं तो वो भी कार्य कभी हो नहीं सकता, ना ही वो समाज चल सकती है। तो शॉर्ट में यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि समाज के लिए भी हमें वही भावनाएं रखनी पड़ेंगी जो हम हमारे परिवार के लिए रखते हैं, तभी समाज चल पाएगी, वरना नहीं चल पाएगी। तो आज के लिए जिन्होंने हमें ये सिखाया समाज का महत्व क्या है और पूरी समाज को एक परिवार की तरह जोड़ के रखा, तो सबसे पहले जोरदार तालियां बजाइए हमारे उन फाउंडर मेंबर्स जो हैं समाज के, या जो हमारे बुजुर्ग हैं जो सेवादारी हैं जिन्होंने समाज के लिए एंडलेस कंट्रीब्यूशन दिया है, उनकी वजह से हम आज यहाँ पे हैं, उनके लिए एक बार तालियां बजाइए प्लीज। के लिए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं एपी डिवीजन के एसपी हैं श्री मुकेश भाई पटेल, उनसे मेरी दरख्वास्त है वो दो मिनट स्टेज पे आए प्लीज, जोर से तालियां बजाएं उनके लिए प्लीज। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर महादेव को कि वो प्लीज स्टेज पे आए और उनका सम्मान करें, तालियां। ये
यस प्लीज सर, सर थोड़ा क्लोज, सर थोड़ा क्लोज आ जाइए प्लीज, यस प्लीज, यस प्लीज, यस प्लीज सर। अब हम स्वागत करना चाहते हैं पुलिस संगठन गुजरात प्रदेश सचिव श्री सुनील पंचाल जी का। सुनील जी प्लीज स्टेज पे आइए सर, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री विजय मेघानी जो हमारे चेयरमैन हैं वो उनका सम्मान करेंगे। तालियां चालू रखिए प्लीज। हेलो, पहले तो खूब खूब धन्यवाद छे के तमारू आ संगठन कहिए, एकता कहिए, तमारू समाज कहिए, जे 48 आज आ महामेळो तमे योजियो छे अने बधा आटला बधा व्यक्तिओ समाज ने अहींया भेगा थया छे अने कार्यक्रम तमारा समाज द्वारा बधा एक थईने करो दो, पहला तो खूब खूब धन्यवाद तमने बधाने, थैंक यू। જ્યારે રવિભાઈ રામચંદાની ભાઈ મારા બહુ અંગત મિત્ર છે, ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ કરે છે, ભાજપમાં પણ છે, પોલીસ એવમ કલ્યાણ સંઘના એ મંત્રી પણ છે, અને 24 કલાક એમનું એક જ મંતવ્ય હોય છે કે ભાઈ સેવા કરવી, તો રવિભાઈને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જે આવું આયોજન કર્યું ને અમને અહીંયા બોલાવ્યા, આપણા એસપી સાહેબ જેમની પાસે આજે ટાઈમ પણ નહોતો સેજ પણ તો પણ એ પોતે આવ્યા છે, તો તમારા બધા વતી એમને પણ ધન્યવાદ પાઠવું છું કે જે અહીંયા આવ્યા, આપણા કોર્પોરેટર શ્રી દિનેશભાઈ એમસી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં એમની બી બહુ ઘણી કામગીરી અમે જોઈ છે, એ બી એમનો કિંમતી સમય કાઢીને આવ્યા છે, તો હું બી એમનો આભાર માનું છું, એમના વતી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, આવી જ રીતે સાથે રહો બધા, બસ એ જ મારી શુભેચ્છા છે, થેન્ક યુ વેરી મચ। लाना चाहूंगा एएमसी कॉर्पोरेटर श्री दिनेश भाई देसाई जी को। दिनेश जी प्लीज स्टेज पे आइए, एक बार तालियां हो जाएं, उनका सम्मान करने आएंगे श्री तुलसीदास माधवानी, प्लीज स्टेज पे आइए। पावन प्रसंग में अत्रे उपस्थित लोहाणा समाज के सब आगेवान श्रीओ तेमज भाई और बहनों, वैसे तो पुलिस में जाने के बाद शब्दों की डिक्शनरी बदल जाती है और ये स्टेज पे मैं बोलने के काबिल भी नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों ने मुझे यहाँ बुला के हमारा जो सम्मान किया इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, और आपके समाज में जो अभी नए बच्चे बड़े हो रहे हैं, बुजुर्ग सब इधर हाजिर है, तो समाज ने क्या क्या तकलीफें पाई है और क्या क्या अचीव किया है वो सब इनको ये फंक्शन होने से मालूम पड़ेगा, और वो सब ये समाज इकट्ठा रह के और भी प्रगति करेगा। ये आपका जो समाज का ये जो फंक्शन है हर साल ऐसे ही आयोजित होता रहे और इसमें हर साल बढ़ावा हो, ऐसी मैं शुभेच्छाएं देता हूँ, जय हिंद। करने के लिए मैं अमर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज स्टेज पे आए, ये यंगस्टर्स हमारी समाज का भविष्य हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए प्लीज। इधर आए हुए सभी मेहमानों का मैं पुलिस विभाग एवं पुलिस परिवार कल्याण संघ तरफ से सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है रविश रामचंदानी, हमारे समाज के तो सब मुझे जानते होंगे, लेकिन कोई ऐसे आदमी हैं जिनको पता भी ना हो कि मैं क्या कार्य करता हूं, तो मैं पुलिस विभाग एवं पुलिस परिवार कल्याण संघ में गुजरात प्रदेश में संगठन मंत्री हूं और भाजपा समर्थक मंच में गुजरात प्रदेश का महामंत्री भी हूं, और हमारे समाज के लिए मैं ये पोस्ट इसलिए लिए कि हम हमारे समाज के लिए भी कुछ कर पाएं,
इधर की दूसरी समाज के लिए तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी समाज के लिए भी हम आगे काम आ पाए, इसके लिए मैं पूरी समाज से एक निवेदन करता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम भी एक दिन आगे बढ़ के हम हमारे समाज का नाम रोशन कर पाएंगे। तो आप सभी का धन्यवाद करता हूँ पूरी थरीलोहाना समाज टीम का कि आपने आज हमारा ये सम्मान किया और हमें उस लायक बनाया कि हम इस स्टेज पे खड़े रहकर आपके सामने ये दो शब्द बोल पाए। तो आपका खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। आज पूरी शुभकामनाओं से ये प्रार्थना करेगी कि आप अपने करियर में आगे बढ़िए और समाज की सेवा ऐसे ही करते रहिए। देखते हैं आज किस में कितना जोश है, कितनी एनर्जी है। मैं दोनों तरफ से नोटिस करूंगा फीमेल्स और मेल्स कहां से ज्यादा आवाज आ रही है। मुझे सिर्फ आपको सिर्फ इतना ही करना है कि हम सब थरीलोहाना समाज एक परिवार है। अगर आप इसे सहमत हैं तो आपको बहुत जोर से चिल्लाना है, बिल्कुल एनर्जी से चिल्लाना है। अगर आप ये मानते हैं कि थरीलोहाना समाज पूरा एक परिवार है तो पूरी एनर्जी खोल के आपको 5 सेकंड के लिए चिल्लाना है, कम ऑन एवरीवन, थरीलोहाना समाज एक परिवार है, समाज एक परिवार है। तालियां हो जाए पूरी समाज के लिए। जी साईं कंवर राम शीर पाए करे छोके कल खबर पई तकड़ो काको अच्छी करे तारी दब कदी अजे नचो री छाता छाता नचो पर हाने बाबा हाने ताके नचनो जे तो नच जो पर हाने भगत नचदा बिल्कुल छोके भगत ने नचण जे लाहे गीर बु नहीं छोके भगत जे तो खन धंदो ही हुआ यो शीर पाए नचना है नचना से ने साईं नहीं यार नचना दे साईं इने करे वरी इगड़ी जयकार मनायो था असा जो जो भगत जो कार्यक्रम आ सो शुरू कयो बोलो संत नेरू राम साहिब की असा जे जका है भगत परंपरा है माणी गाय करे देखा बो जे संत जे आखाड़े ते आयो उन के मनायबो आ ताचो पहरो पहरो गणपति भगवान वक्र कुंड महाकाय सूर कोटि सम प्रभा निर्गुण रूपी देव सर्व कार्येषु सर्वधारी सर्व भूतेषु चारुपेण नमस्तस्य 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 नमो
साहिब जी बाणिया गुरु जी बाणिया बाबा खश माना कर हेड़े है इन्हीं जी माना है बाबा शुक्र कर शुक्र कर शुक्र कर उन साईं जो हेड़े है शुक्र कर उन संत नेणूराम जो वाह साईं वाह जो अन्या ब मने साईं है मैं कहीं नहीं वाह साईं वाह ये बूढ़े बहुत जरूरी है हमारी महफिल में आप बड़े बूढ़े बहुत जरूरी है अगर आप ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा तो मैं लक्ष्मण माधवानी जो आज का हमारा ये प्रोग्राम है जो हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने समाज की बुनियाद रखी और हमारी ओल्ड कमेटी और समाज के आश्रम के जितने भी सेवादारी हैं उन सबका सम्मान प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा श्री राम भीमाणी जी को कि वो स्टेज पे आए राम भीमाणी जी के लिए तालियां बजाइए प्लीज और उनका सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री हेमंत साधवानी जी को हेमंत भाई स्टेज पे आइए प्लीज एक बार तालियां हो जाइए प्लीज राम भीमाणी जी जिन्होंने तरीलोणा समाज राम भाई आपसे रिक्वेस्ट है हाँ मुझे रिक्वेस्ट है श्री तुलसीदास माधवानी बमिट स्टेज पे अचो उन्हनि जे लाइ तालियूं वॼायो प्लीज उन्हनि जे सम्मान लाइ योगेश विरजाणी प्लीज स्टेज ते अचो संत नेणूराम साहिब की हे प्यार हे नंढन बारन जा कुर्ब असा सबनी लाए ने असा के वडी खुशी दी गाल है हे मेला साईं जा मचना रवन ए हलना रवन ए सब मस्ती कंदा रहो डाडे जा जाटी चो सरास बेस्ट है श्री अमरलाल पागरानी जी तो वे प्लीज स्टेज ते अचन ताड़ियूं प्लीज बजायो इन्हनि जो तमामु इन्हनि सभिनीनि जो जंहिंजो असां सम्मान करूं पिया इन्हनि जो तमामु वॾो कॉन्ट्रीब्यूशन आहे समाज जे लाइ हिननि जे करे असां आहियूं मुंहिंजी रिक्वेस्ट आहे राजा अंदाणी खां की हू स्टेज ते अचनि ऐं अमर अंकल जो सम्मान करनि श्री कृष्ण लाल हेमराजानी श्री कृष्ण लाल हेमराजानी इन टाइम पाण सां गॾु न आहिनि त मुंहिंजी रिक्वेस्ट आहे राणे अंकल खे की उहो स्टेज ते अचनि ऐं हुननि जे बिहाफ ते सम्मान एक्सेप्ट करनि राणा अंकल प्लीज स्टेज ते अचो ऐं घुराइणु चाहियां थो डॉक्टर शहदेव खे की उहो स्टेज ते अचनि हेल्थ रीजन की वजह से पा सा गड ना पर असानी शुभ भावनाओं उन्होंने गड है असानी यो ही प्रार्थना है कि वो सेहतमंद रहन तमाम नेक्स्ट मुझे रिक्वेस्ट है श्री विशेनदास मुरला वो स्टेज पे अचन ताड़ी बजाय प्लीज है मुझे रिक्वेस्ट है कपिल भाई का कपिल भाई स्टेज पे अचो और विशेना का जो सम्मान करो प्लीज हाँ मुझे रिक्वेस्ट है डॉक्टर महादेव जी डॉक्टर महादेव साहब प्लीज स्टेज ते अचो तमाम एक्टिव हैं तमाम सीनियर जेके कमेटी भी उन्हनि जा तमाम एक्टिव मेंबर हैं डॉक्टर महादेव उन्हनि जो कॉन्ट्रीब्यूशन भी तमाम वधीक है समाज जे बुनियाद ठहण में
तो मुझी रिक्वेस्ट है वो अपने स्टेज पे अचन ताड़ी बजाओ प्लीज। हां मुझी रिक्वेस्ट है तालियां हो जाए प्लीज। डॉक्टर साहब बाहर प्लीज गलाए बैठो, असा रिक्वेस्ट है ताना। बोलो सतगुरु देव की जय। तमाम घनी खुशी की गाल है जो असा इतने साईं के आस्थान से साईं के चरण में वेही करे असा ही मेला मल्हायूं था, पान में गजूं था। ये बहाना हों जो एक बे गढ़े तो ये बहाना जैसे असा के पान में जोड़े रखन या प्यार या पैंजाप कुर्ब या वेझड़ाप ये जारी रहे। हर दफे जो कोई बखर चब अज भी वही चवा तो जब आए संसार में जग हंसा तुम रोए। यो मुझे लाइन जेस ताई जीवन है तेस ताई मूसा गद रही सभी ताई रहन खपे सभी से गद। जब आए संसार में जग हंसा तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। वो असा खिलऊं असा लाए दुनिया रोए अड़ो कुछ थे खे अज पान याद था क्यों तो केर पान के भी सुबह याद करे अड़ो कुछ करण खे प्यार मोहब्बत असा जे अचन था मानो वेचारा उन्होंने असा शेवा दूँ नम्रता से हथ बधी करे प्रेम से प्यार से हर कंखे अस एकदम ये इन्होंने मेहरबानी है जी असा अचन था इन की मेहरबानी है। अज ये एडा वा मू आया इन की मेहरबानी है असा वा को वा जो असा आया केतरा ही अड़ा अस इतिहास में धर्मी किताबन में किस्सा भरा पड़ा भरया पा जिते केर भी अचे तो अतिथि देव भव जो मतलब ही है वो भगवान है असा लाइ तो भगवान से अस कें हल्दी वो विचारे कर असा शेवा क्यों प्रेम से प्यार से मोहब्बत से नेठाई से नवड़ नम्रता कुर्ब वो दिल से क्यों तो उनको मजो अचे। जय श्री राम। धन्यवाद तुम सभी जो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली वर्ड्स, थैंक यू। हाँ मुझी रिक्वेस्ट है तो अमर भाई वसंतानी, अमर वसंतानी जी स्टेज पे अचो प्लीज। अमर भाई ला तारी हो जाओ प्लीज। तमाम बड़ा सेवादारी इन संत जा और समाज में भी इन तमाम सुठो योगदान दिन हुए। मुझी रिक्वेस्ट है आने चंदर भाई का, चंदर भाई स्टेज पे अचो मिनट और अमर भाई जो सम्मान करो। ताड़ियों चालू रखो प्लीज। इन सभी जैसे सम्मान करो उन्होंने तमाम साल जो योगदान है जैसे करे उन्होंने ला ताड़ियों बिल्कुल ठहन पी हूँ। थैंक यू अमर भाई, थैंक यू। नेक्स्ट जेके उन्होंने जो नालो है जेके ऐसा गुरान चाहे में स्टेज पे हुए धरमदास सराई जेके थरी लोहड़ा समाज के फाउंडर जा एक बड़ा मेंबर है धरमदास सराई इतने हाजिर है। ये ना है तो उन्होंने फैमिली में केर मेंबर प्लीज अचे। मुझे रिक्वेस्ट है रमेश अंकल सर, रमेश मंजियानी, रमेश मंजियानी ताली बजाओ प्लीज। रमेश अंकल प्लीज स्टेज पे अचो। जेके बस अभी एग्जिस्टिंग कमिटी और जेके फाउंडर मेंबर्स हैं सब उन्होंने रमेश अंकल जो भी तमाम वो कॉन्ट्रीब्यूशन है रमेश अंकल ला प्लीज ताली बजाओ। मुझी रिक्वेस्ट है रवि भाई साहब, रवि मुला बमिट स्टेज पे अचो और रमेश अंकल जो सम्मान करो। ताड़ियों चालू रखो प्लीज। श्री धर्मदास सराई पाठ अगर अवेलेबल ना है इन टाइम में तो असानी रिक्वेस्ट है श्री गुड्डू सराई जेके उन्होंने सन है उन्होंने भी आपते रिकग्नाइजेशन एक्सेप्ट करन और मुझे रिक्वेस्ट है अनिल भाई सा, अनिल अनिल भाई स्टेज पे अचो और धर्मदास अंकल जो सम्मान करो प्लीज। ताली बजाओ प्लीज। तमाम बड़ा योगदान है इन मेंबर्स या समाज के लिए।
दशरथ लाल ठक्कर वो भी समाज का एक फाउंडर है। दशरथ भाई अवेलेबल है नहीं थे? दशरथ ठक्कर और जेके लास्ट में कमेटी मेंबर जेके लास्ट कमेटी में अजय एक सदस्य है जे जो तमाम सुठो योगदान हो वो कमेटी मेंबर जो नालो है भरत खटवानी। भरत भाई स्टेज पे चो 2 मिनट। भरत खटवानी भरत भाई भी तमाम सुठा एक्टिव मेंबर है जेके लास्ट एग्जिस्टिंग कमेटी भी सीनियर थी उनन में ना जो तमाम सुठो कम्युनिकेशन स्किल्स हो ए तमाम सुठे वे में प्रमोट करना हुआ। मुझे रिक्वेस्ट है विनोद सा विनोद बुला स्टेज पे चो और